नमः संस्कृत आए कक्षा 6 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें हम जानेंगे कि वर्णों को जोड़ते कैसे हैं और वर्णों को अलग कैसे करते हैं। कोई भी कॉन्सोनेंट होता है वह बिना वोवल के हम नहीं बोल सकते। कैसे? जैसे मैं बोल रहा हूं क, इस क के साथ ए भी प्रोनंसिएट हो रहा है, हो रहा ना, ए का भी प्रोनंसिएशन हो रहा है, क देखिए ए भी बोल रहा है। तो कोई भी कॉन्सोनेंट होता है बिना वोवल के हम बोल नहीं सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। लेकिन वोवल्स को बोलने के लिए हमें कॉन्सोनेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। अभी जानेंगे हम वोवल कितने होते हैं। देखिए वोवल्स को स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। स्वर कितने होते हैं? देखिए ए आ ई ई ऊ ऊ री, ठीक है, इनके विषय में जानते हैं। पहले इस ए की कोई मात्रा नहीं होती, इस ए की कोई मात्रा नहीं होती। कैसे? जैसे मैंने लिखा यहां पर के, क्या लिखा, के, और इसके हलंत लगाए। अब आगे इसमें ए ऐड करेंगे हम तो क्या बन जाएगा, ये के, ये काम करता। इस के में कोई मात्रा दिखाई दे रही है आपको? नहीं दे रही है। किसी भी व्यंजन वर्ण में इसको क्या बोलते हैं? व्यंजन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। इसमें यदि नीचे हलंत लगाया हुआ है और आगे प्लस करके ए लिखा हुआ है तो ये हलंत हट जाता है और इस के में कोई मात्रा दिखाई नहीं देती, केवल हलंत हट गया, कहीं भी हलंत नहीं है। इसका मतलब हम मानेंगे कि इस क में ए है। क में क्या है? ए है। और हमें कोई कहे कि इस क का वर्ण विच्छेद कीजिए तो आप कैसे करेंगे? क और ए, जिस भी कॉन्सोनेंट में ये हलंत नहीं हो और उसमें मात्रा भी नहीं हो और हलंत भी नहीं हो तो मान लीजिए कि उसमें स्वर ए है। जैसे ये गे लिखा मैंने, इसमें हलंत नहीं दिख रहा आपको, कहीं कोई मात्रा भी नहीं दिख रही है, ठीक है, तो निश्चय ही मानिए कि इसमें ए स्वर है, इसमें ए स्वर है। तो इसका वर्ण विच्छेद करने के लिए हम कहा जाएगा तो हम वर्ण विच्छेद ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ठीक है। कॉन्सोनेंट यदि आधा है, ये जो कॉन्सोनेंट है ये कैसे लिखेंगे इसको? इसको ऐसे लिखते हैं हम शब्दों में, आधा क, क्योंकि इसमें स्वर नहीं है। कैसे? जैसे हम लिखेंगे कि जैसे बच्चा, बच्चा, तो इसमें जो ये आधा च है इसमें स्वर नहीं, दिख तो रहा है लेकिन इसमें स्वर नहीं है, तो स्वर किसमें है? बे में है और चे में। तो बे में क्या है? देखिए कोई स्वर दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन बे, इसमें ए स्वर है। आगे चे है, आगे क्या है? चे है, चे में कोई स्वर नहीं है तो हम ऐसे ही लिखेंगे। फिर आगे चे है, चे और आ, ये बन गया बच्चा, ठीक है। तो इस ए में ए की कोई मात्रा नहीं होती है, समझ गए होंगे आप। जिस भी कॉन्सोनेंट में यदि हलंत नहीं है और कहीं मात्रा भी दिखाई नहीं दे रही है और वो कॉन्सोनेंट आधा भी नहीं है तो समझिए कि उसमें ए स्वर विद्यमान है। तो उसमें ए स्वर विद्यमान है ये आपको जान लेना है, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं आगे ये स्वरों की मात्रा। इस आ की मात्रा क्या होती है? ये होती है इस प्रकार से, ई की मात्रा इधर से होती है और बड़ी ई की मात्रा इधर से होती है और ऊ की मात्रा ऐसे, बड़े ऊ की मात्रा ऐसे और री की मात्रा ऐसे।
अब हम जोड़ करके देखेंगे कि इनकी मात्राओं का यूज कैसे करते हैं। जैसे केवल क जो है, जैसे हमने जोड़ा अभी क और इसमें ए, ये ऐड करते हैं तो क्या बन गया, ये क बन गया। अब नेक्स्ट है क, इस क में ये आ जोड़ते हैं, आ जोड़ेंगे, क प्लस आ हम ऐड करते हैं तो ये आ स्वर इसमें ऐड नहीं होता। इस आ की क्या क्या ऐड करेंगे हम, क लिख करके ये मात्रा लगाएंगे का, ये आ यहां पर है तो इसकी मात्रा यहां पर लिखेंगे का, ठीक है। नेक्स्ट है ई, ई का यूज कैसे करेंगे, जैसे क है और क में ई प्लस करते हैं तो हम क्या प्लस करेंगे, ई की मात्रा लगाएंगे इस क में, कैसे लिखेंगे ऐसे। आपका ये प्रश्न गलत नहीं हो इसलिए आपको इस प्रकार से बताया जा रहा है, ठीक है। तो ई नहीं लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे, ये गलत होगा। तो कैसे लिखेंगे, इस क प्लस ई इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए इधर की मात्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क प्लस ये बड़ी ई जिसको दीर्घ ई भी कहा जाता है, तो इस क में हम ये मात्रा लिखेंगे, कैसे, ये क लिखा और इसके बाद ये मात्रा लगाएंगे दीर्घ ई की, ये इस ई की मात्रा है दीर्घ ई की बना। अब आगे देखिए क प्लस उ, ठीक है, क प्लस उ, अब यहां पर इस उ की मात्रा क्या है, ये, तो ये क लिखा और ये मात्रा लगाई कु, ठीक है। नेक्स्ट है दीर्घ उ, ये हमने लिखा क और ये दीर्घ उ, अब इस क में दीर्घ उ की मात्रा लगाएंगे ये, तो क में दीर्घ उ की मात्रा इस प्रकार से लगाए, ठीक है। नेक्स्ट है क प्लस री, ठीक है, री की मात्रा क्या है, ये, तो इस क में, इस क में री की मात्रा लगाएंगे ऐसे क्री। ऐसे स्वरों को हम ऐड करते हैं और वर्ण विन्यास करते हैं, ठीक है। हमें वर्ण विन्यास करते समय भी इन मात्राओं का ध्यान रखना है। यदि हम वर्णों को अलग अलग करते हैं तो हमें लिखना है स्वर, और यदि हमें वर्णों को जोड़ करके लिखना है तो हमें क्या करना है, ये मात्राएं लिखनी है। अभी जानते हैं वो भी कैसे। ये आपके सामने स्वर लिखे हुए हैं, मैं लिख रहा हूं कमल, कमल है। हमें अलग अलग करना है, अलग अलग करने के लिए हम क्या लिखेंगे, स्वर लिखेंगे। अलग अलग करने के लिए हम क्या लिखेंगे, व्यंजन और कॉन्सोनेंट वोवल को अलग अलग कर देंगे, कॉन्सोनेंट और वोवल को अलग अलग कर देंगे। अब जो ये क है यहां पर, इसमें कॉन्सोनेंट भी है और वोवल भी है, कैसे, देखिए क और ए यहां पर वोवल अलग कर दिया, और फिर मैं और ए, फिर ले और ए, इस प्रकार से अलग कर दे। व्यंजन से स्वर अलग होते ही इस व्यंजन के नीचे हलंत लगाएंगे, ये हलंत लगाना नहीं भूलें। जिस भी व्यंजन से आप स्वर अलग कर रहे हो उस व्यंजन के नीचे हलंत लगाना है, स्वर के नीचे कभी भी हलंत नहीं आता है। किसमें, वर्ण विन्यास में या वर्णों को अलग करने, ठीक है। तो समझ गए, हमने मात्रा लिखी, मात्रा नहीं लिखी है स्वर लिखा है, क्या, अलग करने के लिए, और जैसे ही ऐड करेंगे जोड़ेंगे, जैसे मैं ए ये उ रे आ, ये है,
तो यदि ऐड कर रहे हैं हम, तो ऐ एक ऐसा स्वर होता है जो व्यंजन में मिल जाता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती और सभी वर्ण की, सभी स्वर की मात्रा होती है। ऐ ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। तो देखिए मैं में ऐ जुड़ जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। अब आगे देखिए ये है आगे उ है, तो जोड़ते समय हम केवल मात्रा लिखेंगे, स्वर नहीं लिखेंगे, यह हमें ध्यान रखना है। तो ये में बड़े उ की मात्रा इस प्रकार से लिखे, और आगे रे में मात्रा है तो क्या है ये है। देखिए रे प्लस आ की मात्रा देखिए ये है, तो जोड़ते समय आ की मात्रा इस प्रकार से लगाएंगे। जोड़ते समय बड़े उ की मात्रा, बड़े उ की मात्रा देखिए उ उ ऐसे मयूरा। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि हम जोड़ रहे हैं व्यंजन और स्वर को जोड़ रहे हैं तो हमें मात्रा का प्रयोग करना है, और हमें अलग अलग करना है, व्यंजन और स्वर को अलग अलग कर रहे हैं तो वहां पर स्वर लिखना है, वहां पर हमें स्वर लिखना है, यह हमें ध्यान रखना क्लियर। अब आगे देखिए क्या आगे के स्वर देखिए ए आई ओ और अव, इसकी मात्रा ये होती है और इसकी मात्रा ये होती है और इसकी मात्रा ये होती है और इसकी मात्रा ये होती है, ठीक है। जैसे के है के प्लस ए, यहां पर क्या हो गया ये कह लिखा ना, ऐड करते समय क्या करेंगे हम मात्रा लिखेंगे, ऐसे ऐड कर रहे हैं ना के प्लस ए को, कॉन्सोनेंट और स्वर को ऐड कर रहे हैं तो केवल मात्रा लिखेंगे, स्वर नहीं लिखेंगे। और कॉन्सोनेंट जैसे ये है इसको अलग करेंगे तो हमें क्या लिखना है स्वर लिखना है, कैसे ऐसे के प्लस ए, ये अलग अलग ही तो है, तो देखो यहां पर स्वर लिखा हुआ है और इन दोनों को ऐड करेंगे तो क में क्या लगाएंगे मात्रा लगाएंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए ये क प्लस आई, तो क जो कॉन्सोनेंट है और आई जो वोवल है इनको यदि ऐड करेंगे तो क्या करेंगे मात्रा लगाएंगे, कौन सी आई की, तो क के ये मात्रा लगाएंगे कई, ठीक है। अब आगे ओ देखिए क प्लस ओ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ओ की मात्रा लिखेंगे क के साथ, तो क्या लिखेंगे क और ओ की मात्रा को। नेक्स्ट है क प्लस आउ, तो इस क में आउ की मात्रा ऐड कर देंगे, तो आउ की मात्रा क्या है ये है, तो क्या बन गया कऊ बन गया, क्या बन गया कऊ बन गया, ठीक है, ये वर्ण बने। अब ध्यान से एक बार दूसरी तरह से देखिए, ये मैंने रख रखा। अब आपको कहा जाता है कि इन वर्णों को वर्ण विच्छेद कीजिए, वर्णों को अलग कीजिए, तो इनमें स्वर मिले हुए हैं तो हमें अलग करने के लिए स्वर लिखना है न कि मात्रा। जैसे इसमें स्वर और व्यंजन दोनों है, कॉन्सोनेंट और वोवल दोनों है, तो हम लिखेंगे क और फिर ये मात्रा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे इस मात्रा का जो स्वर है वो लिखेंगे, इस मात्रा का स्वर क्या है ए, तो यहां पर क्या लिखेंगे ए, इस मात्रा का स्वर क्या है आई का ये, तो क्या लिखेंगे हम के प्लस आई, इस मात्रा का स्वर क्या है ओ देखिए ओ, तो क्या लिखेंगे हम के प्लस ओ, इस मात्रा का स्वर और औ की मात्रा का स्वर क्या है औ, तो हम क्या लिखेंगे क प्लस औ, इस प्रकार से। तो समझ गए होंगे कि हमें व्यंजन और स्वर अलग करने होते हैं तो व्यंजन के साथ हम स्वर लिखेंगे अलग करने के लिए, और यदि स्वर और व्यंजन को ऐड करने के लिए कहा जाता है तो हमें स्वर व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा ऐड करनी पड़ेगी,
नहीं की स्वर, ठीक है। तो इसी के साथ आपको ये जो स्वर हैं अच्छी तरह से याद कर लेने हैं, जिससे आपके वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन से संबंधित कोई भी गलती न हो। धन्यवाद।